रुख करते हैं बिजनेस न्यूज की जाने। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वजीर खजाना मुफ्ता इस्माइल ने कहा है कि पाकिस्तान के मौजूदा मौशी मसाइल का हल सिर्फ IMF है। इसहाक डार हर बात का मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकते। वजीर खजाना की अपनी एक मंतक है, मुस्लिम लीग के लोग समझदार हैं, सबको पता है इसहाक डार गलती कर रही हैं। मुफ्ता इस्माइल का कहना था कि IMF ने कहा पेट्रोल डीजल महंगा करो, हमने महंगा किया। अगर IMF को साथ रखना है तो एक्सचेंज रेट अपनी मर्जी का नहीं रख सकते। पिछले माह हमारी एक्सपोर्ट कम और बांग्लादेश की बड़ी है, इस वक्त दुनिया में कॉटन की कीमत कम हो गई है। वजीर सनत और पैदावार सैयद मुर्तजा महमूद ने कहा है कि देही इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाली खवातीन अफरादी कुव्वत को सनती यूनिट्स के साथ काम करने की तरबियत दी जाएगी। वजारत से मुंसलिक महकमों के सरबराहान के इजलास की सदालत करते हुए मुर्तजा महमूद का कहना था कि इस इकदाम से देही खवातीन की समाजी इक्तसादी हैसियत को बुलंद किया जा सकेगा और देही तरक्की भी हो सकेगी। उन्होंने कहा कि इस मकसद के लिए पाकिस्तान इंडस्ट्रियल टेक्निकल असिस्टेंट सीनियर से आगाही मुहिम शुरू करने और हुनर सीखने की तरबियत में दाखिला लेने वाली खवातीन के लिए खसूसी मलाद का ऐलान करने की हिदायत की गई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मौशी आदादोशुमार जारी करते हुए बताया कि जुलाई से नवंबर के दौरान तरसीलात में 9.6% कमी हुई। स्टेट बैंक के मुताबिक रवां माली साल में जुलाई तक नवंबर 6 माह में तरसीलात 12 अरब डॉलर रहीं, जबकि गुज़िश्ता माली साल जुलाई से नवंबर तरसीलात 13 अरब 28 करोड़ डॉलर्स थी।